भारत ने घरेलू उद्योगों के हित में सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। भारत आरसेप यानी क्षेत्रीय व्यापार आर्थिक भागीदारी में शामिल नहीं होगा और देश के बाजार सस्ते विदेशी सामान से नहीं भरेंगे। आरसेप एक ऐसा समझौता है जिस पर साइन करने से भारत चीन के चंगुल में बुरी तरह फंस सकता था, लेकिन मोदी सरकार ने घरेलू उद्योगों के हितों को देखते हुए इस समझौते में शामिल न होने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरसेप शिखर सम्मेलन में हिस्सा तो लिया, लेकिन वहां भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया। आरसीपी समझौते 10 आसियान देशों और 6 अन्य देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है। इस समझौते में शामिल 16 देश एक दूसरे को व्यापार में टैक्स कटौती समेत तमाम आर्थिक छूट देंगे। अगर भारत आरसेप समझौता करता तो भारतीय बाजार में सस्ते चाइनीज सामान की बाढ़ आ जाती। चीन का अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है। चीन अमेरिका से ट्रेड वॉर से हो रहे नुकसान की भरपाई भारत और अन्य देशों के बाजार में अपना सामान बेचकर करना चाहता है। ऐसे में आरसेप समझौते को लेकर चीन सबसे ज्यादा उतावला है। क्यों यह समझौता भारत के लिए नुकसानदायक होता, आइए समझते हैं। आरसेप में शामिल होने के लिए भारत को आसियान देशों, जापान और दक्षिण कोरिया से आने वाले 90% वस्तुओं पर से टैक्स हटाना पड़ता। इसके अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाले 74% सामान को टैरिफ से मुक्त करना पड़ता। ये कदम भारत के लिए आत्मघाती साबित हो सकता था। आरसेप के 16 सदस्य देशों की जीडीपी पूरे दुनिया की जीडीपी का एक तिहाई है और दुनिया की आधी आबादी इसमें शामिल है। इस समझौते में वस्तुओं व सेवाओं का आयात, निर्यात, निवेश और बौद्धिक संपदा जैसी विषय शामिल हैं। चीन के लिए ये एक बड़े अवसर की तरह है, क्योंकि उत्पादन के मामले में बाकी देश इसके आगे कहीं नहीं टिकते। चीन इस समझौते के जरिए अपने आर्थिक दबदबे को कायम रखने की कोशिश में है। अगर भारत आरसेप पर हस्ताक्षर कर देता तो चीन समेत सभी दूसरे देश सस्ती कीमतों पर अपना सामान भारत में बेचना शुरू कर देते और सबसे पहले भारत की छोटी कंपनियां इसका शिकार बनती। गौरतलब है कि आरसीपी शिखर सम्मेलन में अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस समझौते का मौजूदा स्वरूप आरसेप की बुनियादी भावना और मान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों को पूरी तरह जाहिर नहीं करता है। यह मौजूदा परिस्थिति में भारत के दीर्घकालीन मुद्दों और चिंताओं का संतोषजनक रूप से समाधान भी पेश नहीं करता। कुल मिलाकर आरसेप समझौते के हो जाने से भारत की छोटी कंपनियों एवं घरेलू उत्पादों का नुकसान होता, जिससे भारतीय मार्केट में गिरावट देखी जाती। आरसेप समझौते में शामिल न होना भारत की एक बड़ी कामयाबी है। इस मुद्दे पर खबर इतनी ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हिंदुस्तान मेरा देख रहे थे।